आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक के SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। जब आप स्टेट बैंक में कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराते हैं और कोई भी शेयर सेल बाय करने के लिए आपको जो है SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप कोई भी शेयर सेल और बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कोई भी शेयर सेल करते हैं तो वो पैसा आपका कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वो पैसा आपका जो है आपके वॉलेट में, SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के वॉलेट में जाता है, और उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब तक आपका जो है वो पैसा आपके SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन वॉलेट में रहेगा, तब तक आप उसका यूज सिर्फ शेयर मार्केट से शेयर खरीदने के लिए कर सकते हैं और बाकी अदर और कहीं नहीं यूज कर सकते हैं। जब आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे तब आप उस पैसे का यूज कहीं भी कर सकते हैं और उस पैसे को आप अपने ATM कार्ड के माध्यम से निकाल भी सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सारी जानकारी देने वाला हूं कि जब आप SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी शेयर सेल करते हैं वो आपको SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के वॉलेट में कहां पर मिलता है और उसे विड्रॉल यानी अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसे आपको जरूर सुनना है, जो है आप अपने SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल में जो है SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और बताते हैं कि जो है कैसे आप जो है अपने SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन में जो आपका पैसा है उसे कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में SBI का SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको मिलेगा, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा। तो इसे ओपन कर लेंगे इस प्रकार से। ओपन करने के बाद देखिए, अगर आपका फिंगरप्रिंट मोबाइल है तो आप फिंगरप्रिंट टच करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे और यहाँ पे एम पिन पर क्लिक करेंगे। एम पिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना एम पिन डालेंगे, इसके माध्यम से भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं अपना एम पिन डाल दे रहा हूँ। देखिए एम पिन डालने के बाद देखिए हमारा ओपन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये सारे शेयर्स होते हैं और जो भी आप शेयर सेल करते हैं वो शेयर्स यहाँ पे देखिए ऑर्डर बुक है यहाँ पे आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए CDSL का 15 क्वांटिटी सेल किया था, ये मेरा आ गया है। अब रही बात आपका जो पैसा है सेल करने के बाद आपका पैसा कहाँ जाता है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए 3 डॉट लिखा हुआ है, ये 3 डॉट पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है, इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने जो भी आप शेयर सेल करेंगे उसका जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा, वो सारा पैसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये जो है SBI सिक्योरिटी वॉलेट है, ये पैसा बैंक का नहीं, बैंक में नहीं जाता, ये पैसा यहाँ पर वॉलेट में, SBI सिक्योरिटी वॉलेट में यहाँ पे जो है ऐड हो जाता है, यहाँ पे रहता है। जैसा देख रहे हैं मेरा 12,366 रुपये है। अब हमें इसे बैंक में डालना है तो क्या करना होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से जो है वापस चले आना है। वापस आएंगे तो फिर से आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन देखिए होल्ड रिलीज फंड, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखिए अब पैसे अपने बैंक अकाउंट में, ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपको क्या करना है अपने बैंक में भेजने के लिए इस पैसे को, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको इसे थोड़ा सा यहाँ इधर कर लेना है। ये देखिए विड्रॉल का ऑप्शन है ना, आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आपको इंटर अमाउंट टू विड्रॉल, यहाँ पे आप जैसे हमारे वॉलेट में जो पैसा था अभी मैं आपको दिखाया, वो पैसा अगर मैं बैंक में भेजना चाहूँगा, इसी प्रकार से जो शेयर्स आप सेल करेंगे जो पैसा होगा वहाँ पे ऐड हो जाता है। अब उस पैसे को आप बैंक में भेजने के लिए यहाँ पे सबसे पहले विड्रॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जो पैसा आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं 12,366 रुपये भेजना चाहता हूँ अपना पूरा अमाउंट, यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद मैं आपको बता दूँ ये वीडियो मैं नाइट में बना रहा हूँ, जब मार्केट चालू होता है तभी आपको ये पैसे
अमाउंट जो है बैंक में विड्रॉल पर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारा प्रोसेस करना होता है। जब मार्केट चालू रहेगा तब आपको, मार्केट बंद होने के बाद आप पैसे नहीं भेज पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ, बाद में कभी टाइम मिला मार्केट टाइम में मैं आपको छोटा सा वीडियो बता दूंगा बना के कि कैसे भेजा जाता है, वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मार्केट चालू रहेगा तो यहाँ पे आप भेज पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ विड्रॉल है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, बस आपका पैसा सक्सेसफुली यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शो हो जाएगा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, यहाँ पे देखिए प्रोसेड पीएम, यानी कि ये पैसा आपका अगले 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर लिखा हुआ, नेक्स्ट डे अगले ही दिन आपका ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो आप इसी प्रकार से अपने SBI सिक्योरिटी का जो पैसा है वो अपने बैंक में भेज सकते हैं आसानी के साथ। जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से अपने SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन से जो भी आपका पैसा है, जो भी आप शेयर सेल करते हैं, जो अमाउंट है जो आपके SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के वॉलेट में आता है, उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में आप इसी प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो है हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि हम अपने SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के वॉलेट में जो पैसा पड़ा होता है उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। तब आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होगी, अब उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिसे आपको जरूर सुनना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब आपको ये कार्य तब करना है, आप अपने जो है SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन के वॉलेट में जो पैसा है उस पैसे को आप तभी ट्रांसफर कर पाएंगे जब आपका मार्केट चालू रहेगा। जैसे मार्केट सुबह जो है 9:15 से और शाम को 3:30 तक चालू रहता है, इसके बीच में आप ये कार्य करेंगे, आप अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है। और दूसरी बात, मान लो अगर आप कोई शेयर सेल किए हैं, उसका जो पैसा है आपके वॉलेट में वो आ जाता है, वो आने के बाद आज आपने सेल किया, कल आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में, उसके एक दिन बाद, यानी आज आपने सेल किया कल आपको वेट करना है, परसों आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको दूसरी बात यह ध्यान देना है। तीसरी बात यह है, जब आप अपने SBI सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो वो पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, उसे टाइम लगता है 24 घंटे का। अगर आपने आज ट्रांसफर किया तो कल आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में वो जमा हो जाता है, आपको ये ध्यान देना है। तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपके मन में जो डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं अपने चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो और ATM बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं, फिलहाल मैंने अपना जो है SBI का सिक्योरिटी मोबाइल एप्लीकेशन जो है यूज अपने मोबाइल में करता हूं, तो मैं इसके बारे में जानता हूं और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, पर किसी टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता पाता। फिर भी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड बताता रहूंगा, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।